गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सेंटेंस क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है और उसके भाग कितने होते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त है। क्योंकि यहां चैप्टर लिखा हुआ एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी साधारण वाक्य का विश्लेषण। द सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले आइए सेंटेंस पर। सेंटेंस यानी वाक्य, वह शब्द समूह यानी शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है, यानी शब्दों का वह ग्रुप, वह समूह जिसे पूरा भाव प्रकट होता है उसे आप वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा और जोड़ लेना चाहिए, एंड वी कैन सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांट सकते हैं, यह आवश्यक बात है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस इज ए सीरीज ऑफ वर्ड, वाक्य शब्दों की एक श्रृंखला है। इन कनेक्टेड स्पीच ऑफ राइटिंग, लेखनी में एक दूसरे से जुड़े हुए, फॉर्मिंग ए कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल थॉट, जिसमें एक विचार को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया गया। मतलब सीधे समझिए कि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका पूरा अर्थ होता है और जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट सकते हैं, वह कहलाएगा वाक्य। द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन इज ए सेंटेंस, अभिव्यक्ति की, चाहे वो बोल कर या लिख कर, अभिव्यक्ति कई तरह से किया जा सकता है, बोल करके, संकेत के माध्यम से, लिख करके। तो प्रमुख जो अभिव्यक्ति के साधन है बोल करके और लिख करके। तो यहां का है दी यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन इज ए सेंटेंस, अभिव्यक्ति की जो इकाई है, हम वाक्य के द्वारा किसी को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, छोटे बड़े वाक्यों को मिलाकर पूरा पैराग्राफ होता है। तो कह रहा कि वाक्य अभिव्यक्ति की जो छोटी इकाई है वही वाक्य है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अभिव्यक्ति की छोटी इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का वह समूह है रिलेटेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शब्दों का वह समूह जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको वाक्य कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य का अर्थ समझने के लिए इज टू नो, समझना, इज टू नो द रिलेशन ऑफ वर्ड्स। कारण किसी भी वाक्य का अर्थ समझने के लिए वाक्य में आए हुए शब्दों का संबंध समझना होगा, रिलेशन ऑफ विथ वन अनदर के एक दूसरे से क्या है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य का अर्थ समझने के लिए एज टू, समझना, एज टू द रिलेशन, नो द रिलेशन ऑफ द वर्ड्स विथ वन अनदर, कि उस वाक्य में शब्दों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। मतलब कह रहा किसी वाक्य का अर्थ जानने का मतलब यह हुआ कि उस वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से क्या संबंध है यह जानना। ग्रामर इज द साइंस ऑफ नॉलेज, व्याकरण वह विज्ञान है अथवा ज्ञान है। साइंस इज, सॉरी, ग्रामर इज द साइंस ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेशन ऑफ वर्ड्स विथ वन अनदर। व्याकरण जो है वह एक विज्ञान अथवा एक ज्ञान है, किसका, रिलेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों के
के का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसका ज्ञान होना इसका विज्ञान ही ग्रामर है। यानी वाक्य में शब्दों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है इसकी जानकारी करना ही व्याकरण का विज्ञान है या ज्ञान है। All words are classified under 8 groups. सारे शब्दों को 8 समूह में बांट दिया गया है। All words are classified under 8 groups. सभी शब्दों को 8 समूह में बांट दिया गया है and are called parts of speech. और उसी को हम parts of speech कहते हैं, यानी noun, pronoun, adjective, verb आदि आदि जो parts of speech पढ़ाए जाते हैं, यानी ये वाक्य के अंतर्गत जो शब्द दिए गए होते हैं उनका आपस में क्या संबंध है, वो क्या काम करते हैं, उसे समझने के लिए हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें विभिन्न ग्रुप यानी 8 ग्रुप में बांट दिया गया, जिसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि करते हैं। अब वाक्य बनता कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा सीता गोस, सीता जाती है। अब इसमें क्या है, यह दो शब्दों का समूह है जिसमें सीता सब्जेक्ट हो गया और गोस प्रेडिकेट। यह दो शब्द से एक शब्द का भी सेंटेंस बन सकता है लेकिन उसमें कर्ता छिपा रहता है। जैसे गो रन, ये क्या है, यह एक वाक्य हो गया, इसमें यू छिपा हुआ है यानी सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। यानी एक शब्द का भी आप सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन वो केवल इंपरेटिव होगा। अन्यथा दो या दो से अधिक शब्दों को, जैसे या दो शब्दों का मिला सीता को सीता जाती है, ही प्लेज वह खेलता है, वे लर्न द लेसन, और दो शब्दों से अधिक बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ए लिटिल बॉय इज प्लेइंग, एक छोटा लड़का खेल रहा है। इसमें ए लिटिल बॉय इज प्लेइंग, एक छोटा लड़का खेल रहा है, तो ए लिटिल बॉय, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, इज का वाक्य में क्या कार्य किससे संबंध है, प्लेइंग का क्या संबंध है, यानी सभी का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है इसी की जानकारी करना तो एक क्या कहते हैं विज्ञान है, और वही विज्ञान वही ज्ञान प्राप्त करना व्याकरण की जानकारी करना, वही ग्रामर कहलाता है। यानी सीधे यह समझिए कि वाक्य में जो शब्दों का खेल चलता है, एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है, उन संबंधों की जानकारी करना ही व्याकरण है, उसका विज्ञान है व्याकरण। अब जैसे हमने लिखा सीता गोज सीता जाती है, अब ये क्या है, दो शब्दों का समूह है, पूरा इसका अर्थ भी है और इसमें हम कर्ता क्रिया छाट भी सकते हैं, तो आपने सब कुछ मिला के यह समझा कि वाक्य शब्दों का एक समूह है जो एक उचित क्रम में रखा होता है और इसका पूर्ण भाव होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। अब आइए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के दो भाग होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक वाक्य के दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट जिसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, यही कर्ता भी कहलाता है, और प्रेडिकेट भी है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं हम सर्वप्रथम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। कारण जब भी हम एक वाक्य की रचना करते हैं, बोलते समय, लिखते समय या टाइप करते समय, तो पहला काम हम करते हैं कि हम सर्वप्रथम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, और फिर नंबर दो पर क्या काम करते हैं, व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। यानी वाक्य बनाते समय हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और फिर उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई जानकारी देते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम हम पहले लेते हैं वही तो सब्जेक्ट है। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं वही सब्जेक्ट होता है।
या वाक्य का वह भाग जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु का हम नाम लेते हैं पहले, अथवा वाक्य का वह भाग जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वही सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो सूचना दी जाती है, जो बातें कही जाती है, वही प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, इसमें क्या है, पहले हमने कुत्ते का नाम लिया, डॉग्स जानवर का नाम लिया, और तब उसके विषय में क्या, बार्क बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, तो भौंकते हैं, इसमें डॉग्स हो गया सब्जेक्ट, बार्क हो गया प्रेडिकेट। इसलिए कि डॉग के विषय में कुछ कहा गया है तो डॉग्स प्रेडिकेट बार्क। द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन आर थिंग, कर्ता जो है वह किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता है, अबाउट विच, जिसके विषय में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता उस व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता है, संदर्भित करता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। द प्रेडिकेट इज और विद उद्देश्य, प्रेडिकेट विद ए है, व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा जिस व्यक्ति या वस्तु को संकेत किया गया उसके विषय में जो बात कही जाती है वही प्रेडिकेट होता है। द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन आर द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया गया, संदर्भित किया गया, उसके विषय में जो बात कही गई है वही प्रेडिकेट है, यानी विधेय। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट कई शब्दों का समूह हो सकता है, यानी सब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है, सब्जेक्ट कई शब्दों का समूह हो सकता है। नोट नंबर एक, क्रिया के पहले कैसे सब्जेक्ट पता करेंगे, पहले वाक्य में सबसे पहले क्रिया पता, वर्ब क्या है, अब वर्ब क्या है, जैसे डॉग्स बार्क में बार्क क्रिया है, ठीक, सीता गोज में गोज क्रिया है, करा उसको पता कीजिए, पता करने के बाद क्रिया के पहले कौन, किसने अथवा क्या लगा करके प्रश्न कीजिए, कौन किसने या क्या लगाकर, हु या व्हाट लगाकर प्रश्न कीजिए, जो शब्द या शब्द समूह प्राप्त होगा वह वाक्य का सब्जेक्ट होगा। करा किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को जानने के लिए आसान तरीका है कि आप क्रिया का पता कीजिए, और क्रिया के पहले कौन किसने अथवा क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो शब्द या शब्द समूह प्राप्त होगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले, खेलने की इस वजह से थक कर छोटा बच्चा स्लीपिंग सो रहा है, खेल से थक कर बच्चा, छोटा बच्चा सो रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या, प्रश्न कर लीजिए कौन सो रहा है, तो कौन के हु इज स्लीपिंग, तो उसके उत्तर में आ जाएगा द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ स्लीपिंग में सब्जेक्ट द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले, सॉरी ऑफ प्ले, टायर्ड ऑफ प्ले, द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले इज स्लीपिंग, इसमें सब्जेक्ट द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले है और प्रेडिकेट इज स्लीपिंग। अब क्यों है, इसलिए कि जब आप प्रश्न करेंगे कि कौन सो रहा है तो उत्तर में आएगा खेल से थका हुआ छोटा लड़का, दी लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले, और जो बात शेष बच गया वो प्रेडिकेट हो जाता है, यानी उसके विषय में जो बात कही गई है सो रहा है इज स्लीपिंग। स्पष्ट है कि क्रिया के पहले जो भाग आता है करा स्पष्ट है कि क्रिया के पहले जो भाग आता है लगभग 99%, 1% छोड़ के इंग्लिश में 100% कुछ नहीं चलता, तथा
वह सब्जेक्ट होता है, यानी क्रिया के पहले का भाग सब्जेक्ट होता है तथा क्रिया और क्रिया के बाद आए हुए शब्द को मिला के प्रेडिकेट कहते हैं। यानी क्रिया के पहले जो शब्द या शब्द समूह आया हुआ है वो सब्जेक्ट होता है और क्रिया तथा क्रिया के बाद जो शब्द आया इनको मिला के प्रेडिकेट कहते हैं। नोट नंबर दो, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है, यानी अगर आज्ञा सूचक वाक्य है तो उसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में केवल प्रेडिकेट ही होता है, उसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है और मान के चलिए सब्जेक्ट यू बोलना है। जैसे कम हियर, यहां आओ, सब्जेक्ट छिपा है यू कम हियर, गो आउट बाहर जाओ। तो इस तरह से आपने यह देखा कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट छांटने के लिए हम वर्ब में हु और व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे, कौन और क्या, उत्तर में जो शब्द और शब्द समूह मिलेंगे वह सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहलाएगा। जैसे पेड़ ऊंचा है, क्या ऊंचा है, पेड़, पेड़ यहां सब्जेक्ट हो गया, ऊंचा है प्रेडिकेट। द ट्री इज हाई, द ट्री व्हाट इज हाई, तो द ट्री उत्तर में आ रहा तो द ट्री हो गया सब्जेक्ट, इज हाई हो गया प्रेडिकेट। और उसी तरह से कौन और किसने लगा के, राम दौड़ रहा है तो कौन दौड़ रहा है, राम हो गया सब्जेक्ट, दौड़ रहा है प्रेडिकेट। अब इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, फिर सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अब विस्तृत रूप से सब्जेक्ट के विषय में और प्रेडिकेट के विषय में अगले वाले वीडियोस के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।